मामला गाजियाबाद का है, जहां पर पुलिस ने ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो कि गाड़ी की रैकी करके मात्र 10 सेकंड के अंदर ही गाड़ियों को चुरा लिया करते थे। इस मामले में 6 चोर वो हैं जो कि पुरानी गाड़ियों पर हाथ साफ किया करते थे। पुलिस के मुताबिक इनको एक छोटी गाड़ी चुराने के लिए 17,000 और बड़ी गाड़ी चुराने के लिए करीब 30,000 रुपए दिए जाते थे। इनको गाड़ी बेचने में परेशानी आती थी, इसके चलते वो गाड़ी को कबाड़ी को बेच देते थे और कबाड़ी उन गाड़ियों के पार्ट्स को अलग अलग करके काट कर बेच दिया करते थे। वहीं यह सभी लगभग 1 साल से गाड़ी की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और पहले भी ये चोरी के मामले में जेल भी जा चुके हैं। थाना क्षेत्र नंदग्राम में वाहन चोरी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि पिछले 1-2 महीने से ये चोरी का काम कर रहे थे। इन्होंने मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। एक छोटी गाड़ी को चुराने के एवज में इनको लगभग 17,000 रुपये मिलते थे और बड़ी गाड़ियों को चुराने के लिए इनको जो है 30,000 रुपये प्राप्त होते थे। इनके पास से 3 कारें मिली हैं हमें, कुछ गाड़ियों के पार्ट्स मिले हुए हैं तथा जो चोरी करने में प्रयुक्त सामान है जैसे कि चाबियां, हथौड़े, पेचकश इत्यादि तथा कुछ अन्य सामान इनसे बरामद। इनका कुछ का आपराधिक इतिहास है, बाकी इनकी जानकारी की जा रही है।